बड़ौदा बाजार क्षेत्र के विधायक पवन शर्मा जी के साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो विधायक जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विधायक जी। पूरे देश में भी कोरोना का कहर देखते ही बन रहा है, सभी लोग परेशान हैं और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के लिए लोग अभी जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। और चूँकि आप अभी हमारे चैनल में मौजूद हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से क्या क्या कदम उठा रही है। ऐसे कोरोना की जो लड़ाई है, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करेगी है। मैं कहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, नागरिकों को भी इसमें जागरूक रहें और भीड़ भाड़ जाने से बचे। जो कोरोना से बचने के जो उपाय समाचार माध्यम से या टीवी माध्यम से जो बताए जा रहे हैं, इसका पालन करें। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि बहुत अच्छा शासन प्रशासन का जो प्रयास है वो करते रहें इसके लिए। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कोरोना पर हम लोग विजय पा लेंगे। आपका विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में चल रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी कोरोना का क्या पोजीशन है? हमारे विधानसभा में तो अभी तक के कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन बड़ौदा जिले में 6 कोरोना के मरीज मिले हुए हैं। ये इस जिले के हैं, बड़ौदागर ब्लॉक के हैं, लेकिन हमारे मेरे विधानसभा के नहीं हैं। मैं यही कहूँगा लोगों से कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और इस महामारी से हमको कैसे भी करके लड़ के विजय प्राप्त करना है। आने वाले 21 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी दिवस में 21 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जाना है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान न्याय योजना में किसानों के द्वारा जो अंतर की राशि है, धान की राशि, उसको दिया जाना है। ये बहुत अच्छी बात है सरकार के द्वारा। अगर किसानों को अंतर की राशि मिल जाए, किसानों को 2500 रुपये के धान खरीदी का जो रेट मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको जो पैसा है, ऐसे समाचार माध्यम से ये सुनने पा रहे हैं, इसको भी किस्त में देंगे। मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि पूरे पैसे को एक साथ आप किसान न्याय योजना में जल्दी दें। ये बहुत अच्छा पहल है। ये केंद्र की सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है अभी कोरोना को लेकर, आप क्या चाहेंगे, क्या अपेक्षा है आपकी केंद्र सरकार? माननीय मोदी जी के निर्देश में जो पहल कर रही है हमारे भारतवर्ष में, वो बहुत ही सराहनीय है। ये केंद्र सरकार का ही पहल है जिसके कारण आज के समय में कोरोना इतना कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हमारे भारत देश में आज जो कोरोना पे कंट्रोल है, ये केंद्र सरकार की नीति के कारण ही है। कोरोना को लेकर आप क्या चाहेंगे, क्या अपेक्षा है आपकी केंद्र सरकार? माननीय मोदी जी के निर्देश में जो पहल कर रही है हमारे भारतवर्ष में, वो बहुत ही सराहनीय है। ये केंद्र सरकार का ही पहल है जिसके कारण आज के समय में कोरोना इतना कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हमारे भारत देश में आज जो कोरोना पे कंट्रोल है, ये केंद्र सरकार की नीति के कारण ही है। मैं इसके लिए मैं पूरे सरकार को बधाई दूंगा और इतना अच्छा प्रयास आप किए हैं, और अच्छा प्रयास करें ताकि हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकें। आपकी क्षेत्र की जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ौदा बाजार विधानसभा में पहली बार कोई युवा विधायक चुन के आया है, तो आप बड़ौदा बाजार के लिए क्या चाहते हैं, क्या आपकी सोच है? यही चाहूँगा कि बड़ौदा बाजार जिला मुख्यालय होने के बाद बड़ौदा विधानसभा अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इस विधानसभा में इतने सारे औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद पिछड़ा हुआ है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि क्षेत्र का विकास हो और बहुत अच्छे से इस क्षेत्र का विकास हो, युवा साथी लोगों को रोजगार मिले, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयास हूँ और प्रयास रहूँगा। चलिए, धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।